अस्सलाम वालेकुम। इकरास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी से रोल। बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं। आपने ऐसे रोल कभी नहीं देखे होंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही यूनिक रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हमने ली है एक मैगी का पैकेट और एक टमाटर है जिसे बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और एक प्याज है जिसे बारीक काट लिया है, और कुछ मसाले हैं वो बाद में दिखाएंगे। और ये देखिए मैगी को हमने निकाल लिया है, इसको एकदम छोटा छोटा तोड़ लिया है, इसको साबुत नहीं रहने देना है, इसको तोड़ लेना है। और इसको नमक डालकर उबाल लेंगे। ये देखिए पानी गर्म हो गया है और अब इसमें ये देखिए हम रोटी दिखा रहे हैं आपको। ये बची हुई रोटी है, इसी से हम रोल बनाने वाले हैं जो बची हुई रोटी होती है। तो मैगी हो चुकी है हमारी, ये हमने निकाल ली है, नमक डाल दिया था इसमें, उबाल ली है। अब इसके अंदर डालते हैं जो मैगी का मसाला है। मैगी के मसाले के बाद अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। नमक इसमें पहले ही डाल लिया है तो हम नहीं डालेंगे। और इसमें ये जो सब्जियां हैं इन सबको डाल देंगे। आप और भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसको अच्छे से मिला देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम केचप। थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच केचप डालेंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इससे। और ये देखिए बस रोटी को गर्म करेंगे हम तेल डालकर, थोड़ा सा पराठे की तरह हो जाएगी वो। बची हुई रोटियां अगर वेस्ट हो जाएं तो अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। दोनों साइड से तेल लगा के इसको हल्का सा सेक लेंगे, ये पराठे की तरह हो गया है। अब इसमें हम केचप डालेंगे और इसको पूरे पर फैला देंगे चम्मच से। तो ये देखिए ये हमने फैला दिया है। अब जो हमने मैगी तैयार की थी उसे डालेंगे और उसको लंबे शेप में रख देंगे और इसका हम एक रोल बना लेंगे बस। और इस पे एक टूथपिक स्टिक आती है वो लगा देंगे ताकि ये रोल हिले नहीं। ये देखिए तैयार है इतना झटपट रोल बची हुई रोटियों से। तो कैसी लगी रेसिपी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।